इंडिया के, ये जो हमारे एक्टर्स से घबराते हैं, एक्टर्स हमारे ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड, और उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे ये रोल्स प्ले करें। सीमा पावा ने इंटरव्यू में कहा, विच इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बड़े अच्छे ड्रामे अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स में करती है, कहती है पाकिस्तान ड्रामों में, जो वफ़ारत इश्तियाक को उसका क्रेडिट दूंगी बहुत बड़ा, कहती है रिश्ते जिस तरह हम अपने ड्रामों में रिश्ते दिखाते हैं ना, कोई नहीं दिखाता। ड्रीम है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे में सास का रोल करूँ। उनको लगता है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ पाकिस्तान इज हानिया, शी इज़ प्रिटी एंड शी इज़ क्यूट एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो जिस तरह ये इसकी ऑर्गेनिक फॉलोइंग, इंटरनेशनल फॉलोइंग बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है कि इसने जल्दी शादी नहीं की, सबसे अच्छी बात है कि हानिया, और मैं इसको वहाँ बोला भी उसने, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है हानिया, जब बच्चे मियाँ सब कुछ फिर ये ऐसे काम नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ तो मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, वाहद मुस्तफ़ा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये वो, अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूँ तो मुझे जहर लग रहा है मुस्तफ़ा, जहर लग रहा है कि क्यों शर्जीना को टॉर्चर दे रहा है भाई, बंदा बात ही कर लेता है इतना भी ऐसा क्या। तो एज अ व्यूअर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड लाइक यू आर, कि वो इतना प्यारा बोल रही है, इतनी अच्छी बातें कर रही है, सब कुछ, और ये अचानक नहीं गए। शर्जीना का कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जो राइटर ने बनाया है, कि ये नहीं कि ये फ़ौरन रो पड़ती है या ये मैं जा रही हूँ, उसने भी उस वक्त अभी जिक्र किया एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसको रोकेगा, उसने नहीं रोका बल्कि ज़्यादा बुरा ही बोला। तो शी ही इज़ ब्रेकिंग एवरी वंस हार्ट, सबके दिल तोड़ दिए मुस्तफ़ा ने। बाकी जहाँ अदील की मैं बात करूँ तो अदील अपनी टेढ़ी स्माइल से, अब नताशा है नेक्स्ट, शर्जीना के पीछे नहीं जाएगा, नताशा के साथ सेटिंग होगी, क्योंकि नताशा को अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा, उसको पैसे वाली लड़की ही चाहिए, मुझे लगता है अब नताशा और इसका नताशा लाइक्स। तो वो भी इंटरेस्टिंग, उसने बता दिया आई एम नॉट हैप्पी। तो ये दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ बनेगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये है जो लोग जिस पे डिवाइडेड हैं, कितनी बड़ी बात नहीं थी शर्जीना को अगर वो पैसे दे रही थी, तो हमारी फैमिलीज़ में होता है कि पैसे देते हैं जब खाना अच्छा बने या कुछ, तो इट्स ओके, पीपल आर डिवाइडेड। जहाँ मैंने भी फिर इसको दोबारा देखा, पहले शुरू में मुझे भी, मैंने कहा मुझे भी पैसे मिलते रहे, बड़े भाई बहनों ने भी दिए, नहीं नहीं बड़े भाई बहन भी दे देते हैं, लेकिन मैंने फिर रिवाइंड करके दोबारा से देखा, पता है बुरा कहाँ लगा है, कहाँ से इंसल्ट हुई है, शी फर्स्ट मेंशन्ड हर सर्वेंट, वहाँ से आग लगी कि हमारे भी एक खान साहब में होते थे, बड़ा अच्छा खाना बनाते थे और माँ की याद आ जाती थी, अब वो नहीं है, उसके जिक्र पे जो उसने पैसे दिए ना, ज्यादा बुरा लगा। प्लस अगर बड़े पैसे देते हैं तो बुरा नहीं लगता, इसको चाहिए था सास को दे देती, आप दे देना आगे, तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आई थिंक वो डायलॉग से इट बिकम्स मोर रूड, बिकॉज सबके सामने बोल रही थी, नौकर का हवाला, फिर शर्जीना को पैसे, इसलिए बुरा लगा। लेकिन हाउएवर लेडीज़ ग्रुप्स पे ये बहुत बहस चल रही है कि ऐसी क्या बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है, ऐसी क्या बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं। वो आप सही कह रही हैं, जो पहले रेफरेंस दिया ना जिस बात का, उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है इन दो एपिसोड्स में बात, वो यही है कि इंसल्ट हुई या नहीं हुई। तो पीपल आर डिवाइडेड बट आई लव्ड, आपके लिए अच्छा होता है। तो मैंने पिछले दिनों बात की थी इंडिया के, ये जो हमारे एक्टर्स से घबराते हैं वो, कि अगर इधर आ गए तो इतने कमाल एक्टर्स हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन 8 पैक 6 पैक्स, वो बड़ी वायरल हुई इंडिया गई न्यूज़ सारा। अब मैं आपको बताऊँ कि वहाँ के एक्टर्स हमारे ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड, और उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे ये रोल्स प्ले करें, और मरते हैं कि काश ऐसे कैरेक्टर्स इनको इंडिया में प्ले करने को मिले। सीमा पावा ने इंटरव्यू में कहा, विच इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बड़े अच्छे ड्रामे अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स में करती है, कहती है पाकिस्तान ड्रामों में, जो वफ़ारत इश्तियाक को उसका क्रेडिट दूंगी बहुत बड़ा, कहती है रिश्ते जिस तरह हम अपने ड्रामों में रिश्ते दिखाते हैं ना, कोई नहीं दिखाता, खूबसूरत, फिर उर्दू ज़बान और परफॉर्मेंसेस। एंड शी सेड कि मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे में सास का रोल करूँ। How nice. तो यू सी कि ये हमारे इतने खूबसूरत लिखे हुए ड्रामे, क्रेडिट तो राइटर को जाता है कि वो इतना अच्छा उसने लिखा, फिर डायरेक्टर एंड दी एक्टर्स, संगे मरमर ड्रामे का तस्करा भी, हाँ संगे मरमर, वो मुस्तफा ने लिखा है, जो जड़ पत्तों का मन लिखा है जी, वो मैं भी दोबारा देखने लगी हूँ, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा लंच ब्रेक में तो बाथरूम ब्रेक में, लेकिन मैं वो देखूंगी जरूर ड्रामा, कि शी मेंशनड इट स्पेशली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। प्लस इस ड्रामे में राइटर के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है एक्टर्स को, क्योंकि एक अच्छे स्क्रिप्ट को वो अपने अंदाज में बोल रहे हैं, ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं होगा। यू सी उसमें फहद का अपना स्टाइल ऑफ लिंगो है, लिंगो, और उसकी हानिया भी अपने अंदाज से लाइनों को बोल रही है बहुत हद तक, इसलिए वो लाइंस कितनी मज़े की हैं, और वो ऐड भी कर रहे हैं, और वो बहुत जगह इतने मज़े का बना के, और दोनों पक्के एक्टर्स हैं तो ये अच्छी लाइंस ऐड कर सकते हैं, वर्ड्स ये वो, बिकॉज दे आर वेरी मेच्योर एंड एक्सपीरियंस, उसकी वजह से उनको भी क्रेडिट जाता है, स्क्रिप्ट को उन्होंने सिंपल और मज़ेदार कर दिया है।
So Farah Ishtiaq is loving it. 9. ऑडियंस की बात की जाए जी, हाउ मेनी वोट्स दिस टाइम? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,450 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए 11,428, 56% मतलब 5.6. खाता पीता शो है, बहुत खाता पीता जी। तो जैसे हम ट्रैवल करते ना बचपन में, ट्रेन में बैठे होते तो हम अपनी जगह सब भर लेते खाने पीने की चीजें, वैसे वहां पे बिल्कुल बिना तो डाइट पे होती थी उनकी, चल रही होती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो तो खाली होता था ना, बंजर किस्म का टेबल, कुछ खाने को नहीं। तो यहाँ माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है, मित्रा खाने को लाती है, मरीना वैसी लाती है, वो माशाल्लाह सप्लाई ला रही है, मेरा कम हो गया बल्कि आर्मी छोटे से लाई हूँ। मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पे कैमरा रहेगा, फिर दूसरे पे कट आएगा, एक सेकंड का उसका एक्सप्रेशन आ गया जो मैच करता है कभी नहीं करता। यहाँ इतना ज़बरदस्त है कि जब बात चल भी रही है तो ज़रूरी ना उस कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, जिसका रिएक्शन बनता है ना उसको दिखा रहे हैं, बात चल रही है। जैसे अदील के दोनों एपिसोड्स में बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थे, डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन कैमरा उसके ऊपर था, तो जो चेंज हुआ है ना एक्सप्रेशन, ये नॉर्मली मिस हो जाते हैं डायरेक्टर से, क्योंकि वो ऐसे हमारे यही आते हैं ना, एडिटर ने जो भी लगा दिया, उसने तो इतने अच्छे लगाए हैं। अब यही काम आप इमाद का किसी और ड्रामे में देखें नहीं है, तो करवाया भी अच्छा, एडिट कितना कमाल है कि उसका वो एक ऐसा उसका जहाँ एक्सप्रेशन बदला, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है हमारा, मिस हो सकते और नहीं मिस होने दिए। खाने की टेबल पे जैसे जब उसने पैसे निकाले रुबाब ने, क्या जबरदस्त, उस वक्त पैसा कोई और होता डायरेक्टर कहता पर्स का शॉट लगा दो, रुबाब का शॉट लगा दो, हानिया का शॉट लगा दो, नहीं, द कैमरा वाज ऑन अदील, तो आई लव दैट, क्योंकि उसका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये क्या कर रही है। तो ये और भी जगह हुआ है जिस तरह वो अपने घर आई है शर्जीना और माँ के साथ है, माँ की बात, इसका रिएक्शन, इसकी बाप से बात, बाप का रिएक्शन नहीं, शर्जीना का रिएक्शन, बिकॉज़ यहाँ वो झूठ बोल रही है। किचन में सीन था वो एक्चुअली माँ बेटी लग रहे थे, वो लगते थे, और बहन ने बहुत अच्छा काम किया, तो सी के साथ इनको क्यों लिया वो, क्योंकि ये माँ लग रही है हानिया की, जबरदस्त एक स्किन, इतनी प्यारी, रंग कलर बिल्कुल लग रहा था कि वो क्लैरिटी, हाँ लग रही है। और बहन का नाम है यमुना, आप तो आती नहीं हमारे घर, यमुना तो आती रहती है, मैं कहीं यमुना कहाँ से आ रही है, इतनी बिजी है, यहाँ कैसे आ रही है। तो ये बड़ा अजीब सा ना है, क्योंकि लोग कंपेयर बड़ा करते हैं, लेकिन आई एम श्योर देयर फ्रेंड्स, तो ये फिर भी एक घर में यमुना और हानिया। तो एनीवेज मुझे अच्छा लगा कि ये, और इसी से ड्रामा आपका पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, कि जब आपके एक्सप्रेशंस मिस ना हो। तो आई एम जस्ट लविंग हिज वर्क, बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, कहीं कोई झोल जंप ओएसटी ये वाला ज़्यादा अच्छा है, जो मुस्तफ़ा पे इस्तेमाल के अल्फाज देखे, जैसे वो निकला है किचन से चाय बना के, डर लग रहा है मुश्किल घड़ी है, कैसे वो अल्फाज मैच किए, वरना ओएसटी के अल्फाज मैच नहीं करते, वो तो है ना, ओ बेवफा तेरी दीवानगी कहाँ से किधर है बेवफा। एक सीन था जहाँ मदर इन लॉ को जब डायमंड रिंग मिलती है ना रुबाब को देती, वो पूरा मास्टर में उन्होंने एडिट किया हुआ है, उसके क्लोज नहीं लगा, बहुत अच्छा, एंड आई थिंक मे बी दैट्स डिलिबरेट, आई डोंट नो, बिकॉज़ आई वाज लाइक व्हाई, वेयर आर द मिड शॉट्स एंड द क्लोजअप्स, वो सीन को पूरा मास्टर में उन्होंने डाला। आप देखें ना हॉस्पिटल का सेटअप, वी नीड इट्स सो रियल, वो वाकई लग रहा है कि उन किसी सीरियस पेशेंट का ही हॉस्पिटल सेटअप, सारा इक्विपमेंट वगैरह आया हुआ है, तो एफर्ट नजर आती है, जब एफर्ट होती है मुझे बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, तो जावेद सब ठीक कब हो रहे हैं, कब रूप, मैं तो सोच रहा था नेक्स्ट एपिसोड में, अपने जा रहे हैं घर कब जा रहे हैं, मुझे तो डर था, और बोलेंगे कि ये मियां से बात करने का कोई तरीका नहीं है रुबाब को, नहीं बीवी को बोलेंगे कि ये जिस तरह मेरे बेटे से बात करी, दिस इज नॉट द वे, बता रही हूं आपको, घर में तो है उनका पूरा कमरा, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, नहीं मतलब चला जाए ना, और मैं पता हूँ, अब मुझे इतना प्यारा लग रहा है टाइटल, अब आप टाइटल को, अब ड्रामा कितना देख लिया, अब आप टाइटल को देखें कि जहाँ शर्जीना ऊपर बैठी है, सो स्मार्ट, पहली दफा है कि हीरो ऐसे बैठा हुआ है, उसका हाथ पकड़ा है, वो माफी मांग रहा है, उसका साथ मांग रहा है, उसका उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, कितना खूबसूरत टाइटल है, और अब कितना प्यारा लग रहा है कि जहाँ ये गाना बहुत अच्छा है, तो मैं तो अब टाइटल के भी उसको फुल मार्क्स दूँ, बदर इज अ 10 डायरेक्शन और नेक्स्ट प्रोजेक्ट समझ गए होंगे, चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
डायरेक्शन की कैटेगरी में वो है जी 19,500 और बदर महमूद के हिस्से में आए कभी मैं कभी तुम से 10,273 पिछले दो ड्रामों में बदर के कितने नंबर घटे तो मैं फेवरेटिज्म कभी नहीं करती मुझे प्यार हुआ मैं को कसर छोड़ी मैंने और मैं में और क्या हो गया करो ना पूछो अरे हरियाली बुआ हरियाली बुआ तुम अंदर आ गई है दुनिया बहाज कोई भी दे दो मुझे दुनिया के एक्टर बर्बाद करेंगे हम मिलके खराब करेंगे उसको लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट दोगे अच्छी लाइंस होंगी तो फिर हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। हानिया की इस वक्त एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल फॉलोइंग भी बन रही है, शी इज बिकम अ फेस ऑफ पाकिस्तान मीडिया। जिस तरह माहिरा ने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हानिया बगैर गए इधर उधर, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आपकी सोच है इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आर मैसेजिंग हर, फॉलोइंग हर, दे लव हर। उनको लगता है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेसेस ऑफ पाकिस्तान इज हानिया, शी इज़ प्रिटी एंड शी इज़ क्यूट एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो जिस तरह ये इसकी ऑर्गेनिक फॉलोइंग इंटरनेशनल फॉलोइंग बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। शी इज़ लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मैं इसकी इस बात पर करती हूँ कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग अस, बहुत अच्छी बात है। शाबाश, वो जो हैंडसम मॉडल का तुम्हें अब मैसेज आया ना, उफ लहरी, शाबाश प्लीज मैं चाहूंगी कि वो सिलसिला चलता रहे। कैसे हानिया के डीएम चेक कर रही हैं? नहीं मैं, मुझे पता चल, मुझे सब हर खबर पे मेरी नजर है, मैं ऐसे तो नहीं शो कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे शो में आपकी हर तरफ आपके नजर होते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ बन गई। हाँ वो लहरी, वो ब्लिंग दुबई ब्लिंग वाला लड़का इतना हैंडसम है, वो इसको मैसेज कर हानिया तुम भी जवाब दे। तो गॉड ये क्या चल रहा है, कौन किसको मैसेज कर रहा है? हाँ बादशाह को कितने दिलों के, कितने लड़कों के दिल टूट जाएंगे कि उसे इस लेवल के डीएम आ रहे। तो हमारे डीएम सबसे अच्छी बात है कि इसने जल्दी शादी नहीं की, सबसे अच्छी बात है कि हानिया, और मैं इसको वहाँ बोला भी उसने, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है हानिया, जब बच्चे मियाँ सब कुछ फिर ये ऐसे काम नहीं हो सकता। तो मैं उसको बता रही थी इट्स वेरी गुड कि तुम इस वक्त फुल फोकस तुम्हारा काम पे, और तुमने एज एन एक्सपेरिमेंट शादी नहीं की जी, शादी करके ये बहुत सारा, बी यू गिविंग योर बेस्ट टाइम टू द इंडस्ट्री एंड टू अस, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो हर परफॉर्मेंस, हानिया से मैं सीख रही हूँ इस ड्रामे में कि डायलॉग से ज़्यादा तुम्हारा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, जवाब नहीं देना। जो हम होते हैं ना फॉरन लाइन अपनी दे देते हैं याद करके, नहीं पहले एक्सप्रेशन लो कि जो सामने ने बंदे ने बात की है मुझे पहले उस पर रिएक्शन देना है, फिर उसके बाद बात करनी है, फिर जो वो बात कर रही है उस पर मेरे एक्सप्रेशन बहुत सही फिट होने चाहिए। तो माँ के साथ, माँ के घर पे जाके, ऑफिस में हर एक्सप्रेशंस वर जस्ट अमेजिंग, और टेबल पे, और फिर मुस्तफ़ा के साथ दर्द दुख इतनी वेरिएशन थी, मैं कहती हूँ कमाल काम था। इधर उधर ऐसे शर्जीना की परफॉर्मेंस थी लास्ट टू एपिसोड्स में, अ लॉट ऑफ वेरिएशन एंड शी नेल्ड इट एवरी टाइम।